हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था फ्री कंसेंट का कोर्शन, उत्पीड़न। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। इससे पहले अपने काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं सीए फाउंडेशन के ऊपर या आईपीसीसी के ऊपर या फिर एनटीए यूजीसी नेट के ऊपर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और इस लॉकडाउन में आपका जो भी खाली टाइम है आप उसे वेस्ट ना करके ऐसे यूज कर सकते हो। और आई होप आप सब लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। लेकिन इससे पहले अगर अपन डिस्कस करें ये टॉपिक किस में चल रहा है, फ्री कंसेंट में, स्वतंत्र सहमति में। तो अगर मैं इसको एक बार रिवाइज करूं, एक कंसेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, तो कंसेंट मींस बोथ द पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब अनुबंध के दोनों पक्षकार एक ही बात पे और एक ही अर्थ में सहमत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट। और फ्री का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जब भी आपकी सहमति ली जाए, जब भी आपसे कोई अनुबंध करते टाइम आपकी हाँ ली जाए तो वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। और फ्री मीन्स क्या है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना होना चाहिए। अब प्रेशर के अपने टाइप्स पढ़े थे कि सिर्फ प्रेशर मारना पीटना नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं। और उन प्रेशर्स में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था, अपन ने डिस्कस किया था कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, इनके सिर्फ कुछ नाम ही किए थे। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अब देखो आप लोगों को इसके नाम से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, कुछ नेगेटिव सा साउंड हो रहा है, लग रहा है ना कि हाँ कुछ नेगेटिव है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है, ध्यान रखना अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा दो पार्टीज होंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा दो ही पार्टी होती है, तो दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी होगी सुपीरियर और एक पार्टी होगी इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब बड़ी, इन्फीरियर मतलब छोटी, एज में नहीं रिलेशंस में, एक बड़ी और एक छोटी, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर पार्टी इन्फीरियर पार्टी की विल को, डिजायर को, इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में होगी, प्रभावित करने की इच्छा में होगी और उसे पता है उस बात का, और उस बात का वो क्या करेगी, गलत फायदा उठाएगी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी सुपीरियर और दूसरी पार्टी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। सुपीरियर पार्टी को पता है कि वो इन्फीरियर पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और वो क्या करे, उसका गलत फायदा उठाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल की बात करेंगे सिर्फ इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, कहीं पे भी इसको प्रैक्टिकल अप्लाई आपको नहीं करना है। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो है बाहुबली, आप सब लोगों ने वो मूवी देखी है। जब भी वो फर्स्ट मूवी देखी थी तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अगर सेकंड बाहुबली नहीं आती तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं था, लेकिन अब तो आपके पास आंसर है, क्यों मारा भी, इसके कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अब आप बोलोगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ध्यान देना कटप्पा जो था वो उस रानी का क्या था, प्रेशर में था, क्योंकि उसके जितने भी पहले के जो भी उसके फादर्स या ग्रैंडफादर्स थे वो क्या करते थे, उस रानी की सेवा में लगे हुए थे, तो वो उस काम को लेके मना नहीं कर सकता था। क्या वो, उसने बाहुबली को मारा लेकिन क्या वो ऐसा चाहता था, क्या उसकी कंसेंट थी, उसके ऊपर एक प्रेशर था, उसके ऊपर क्या था, एक प्रेशर था, और उस प्रेशर में उसे क्या करना पड़ा, हाँ करनी पड़ी। तो सीधी सी बात समझो, वहां वो रानी क्या थी, सुपीरियर थी, और कटप्पा क्या था, इन्फीरियर था। उस रानी को पता था, उस रानी को पता था कि ये इन्फीरियर और मैं इसकी इच्छा को क्या कर सकती हूं, डोमिनेट कर सकती हूं, और उस बात का उसने फायदा उठा के उसकी हां करवाई और बाहुबली को मरवा दिया था। तो ये किसका एग्जाम्पल था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सिर्फ डेफिनेशन को समझने का, यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डेफिनेशन को समझने के लिए कि जहां एक पार्टी इन्फीरियर हो और दूसरी पार्टी क्या हो, सुपीरियर हो, और सुपीरियर पार्टी अपने सुपीरियर होने का फायदा उठाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, अनुचित प्रभाव कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स की, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसेंशियल एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये मार्कर नहीं चल रहा है, अगर अपन सबसे पहले इसके एसेंशियल्स की बात करें
तो इसके इसेंशियल्स में सबसे पहला क्या आएगा, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा रिलेशन बिटवीन पार्टीज। सबसे पहले क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन पार्टीज, के पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए भाई, रिलेशन, संबंध होना चाहिए। अब रिलेशन माइंड में अगर आता है तो रिलेशन का मतलब क्या होगा, यहां पे कैसा रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन क्या लीगल रिलेशन होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे कि भाई फायदा उठाने के लिए, समझना, अपन बोलते हैं ना कि भाई तूने मेरा गलत फायदा उठाया है, उसने मेरा गलत फायदा उठाया है, तो गलत फायदा उठाने के लिए पार्टी के बीच में रिलेशन तो एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो फिर अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। अब रिलेशन किस तरह का हो सकता है, लाइक फादर एंड सन, मदर एंड सन, डॉक्टर एंड पेशेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट, इवन यहां तक कि लवर एंड बिलोड, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशंस मींस यहां पे ये नहीं कि कोई उनके बीच फैमिली रिलेशंस हो, रिलेशंस किसी भी तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहली बात अंडू इन्फ्लुएंस के लिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि उन पार्टीज, उन पक्षकारों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। दूसरी बात अगर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी पोजिशन, पोजिशन टू डोमिनेट, पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। ध्यान देना भी क्या होगा, पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, के सामने वाली पार्टी सुपीरियर जो है वो इंफीरियर पार्टी की डिजायर को, इच्छा को किस साथ क्या करने की हालत में होनी चाहिए, डोमिनेट करने की, प्रभावित करने की इच्छा में, प्रभावित करने की पोजिशन में होनी चाहिए, डोमिनेट करने की पोजिशन में होनी चाहिए। अब बात करेंगे डोमिनेट होने की पोजिशन या डोमिनेट करने की पोजिशन का मतलब यहां पर क्या है। कोई भी बंदा इन इन सिचुएशंस में जो अब हम डिस्कस करने जाएंगे, इन इन सिचुएशंस में किसी भी विल को, किसी भी पर्सन की विल को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करें तो हम कह सकेंगे कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आएगा रियल एंड एप्रियंट अथॉरिटी। क्या आएगा, रियल एंड एप्रियंट अथॉरिटी। अगर इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल आएंगे मास्टर सर्वेंट, क्या आएगा, मालिक और नौकर, डॉक्टर एंड पेशेंट, फादर एंड सन। ध्यान देना भाई, रियल एंड एप्रियंट अथॉरिटी किन किन के बीच में हो सकता है, मास्टर और सर्वेंट के बीच में हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो सकता है, फादर और सन के बीच में हो सकता है। इट मींस जहां पे भी आप ऑर्डर देने की पोजीशन में हो, देख लीजिए यहां पे जितने भी एग्जांपल है, मास्टर एंड सर्वेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, फादर एंड सन, तो उस केस में क्या कहा जाएगा कि आप उस दूसरे बंदे पे कैसी अथॉरिटी रखते हो, रियल एंड एप्रियंट अथॉरिटी रखते हो। आप एक टीचर या स्टूडेंट का भी ले सकते हो यहां पे एग्जांपल, किसका, टीचर और स्टूडेंट, इनके बीच में अंडू इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, अपन समझेंगे। सपोज कि मैं आप लोगों का फेवरेट टीचर हूं, सपोज नहीं हूं लेकिन आप क्या कर सकते हो, सपोज कर सकते हो कि मैं आपका फेवरेट टीचर हूं। आपने एक बाइक खरीदी 1,00,000 रुपए में, 3 दिन बाद मैंने आपको बोला कि यार ये बाइक मेरे को 20,000 रुपए में दे दो। अब और कोई होता तो आप नहीं देते, लेकिन मैं आपका फेवरेट टीचर हूं तो आपने हाँ कर दी कि ठीक है सर आपको हम बेच देंगे। आपने बेच दी और मेरे से 20,000 या 30,000 रुपए जो भी थे वो ले लिए। लेने के बाद, जैसे ही बेचने के बाद आप अपने घर गए, आपको समझ में आया कि यार फेवरेट के चक्कर में तो 70-80,000 रुपए का नुकसान कर लिया। आप मेरे पास आए और बोले भाई मेरे को अपनी बाइक वापस दो। मैं कहूंगा क्यों, आपने तो हाँ की थी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो मैं तो बाइक वापस नहीं दूंगा। क्या यहां पे आपकी कंसेंट फ्री थी, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था, मैंने आपको मारा पीटा तो नहीं था, लेकिन एक प्रेशर था जो दिखाई नहीं दे रहा था, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, अंडू इन्फ्लुएंस। जहां एक पार्टी सुपीरियर हो, टीचर, एज ए टीचर मैं सुपीरियर हूं, एज ए स्टूडेंट आप इन्फीरियर हो, मैं आपकी विल को डोमिनेट करने की पोजिशन में था और मैंने इसका क्या किया है, गलत फायदा उठाया। इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अंडू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, अनुचित प्रभाव का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अंडू इन्फ्लुएंस कि कब एक पर्सन को किसी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में माना जा सकता है, पहला इसका एग्जांपल था रियल एंड एप्रियंट अथॉरिटी, और दूसरा जो इसका एग्जांपल होगा वो अपना होगा फिड्यूशियरी रिलेशंस। कौन सा होगा, फिड्यूशियरी
रिलेशंस, फिड्यूशियरी रिलेशंस के अंदर अगर अपन एग्जांपल बात करें तो वही एग्जांपल फादर सन आएगा, डेटर क्रेडिटर आएगा, डॉक्टर पेशेंट का आएगा, एडवोकेट क्लाइंट का आएगा। देखो फिड्यूशियरी का मतलब विश्वास, कि जहां पे रिलेशंस ऐसे हो कि उसमें क्या हो, विश्वास हो और एक पार्टी दूसरी पार्टी को अफेक्ट कर सकती है, उसकी डिजायर को अफेक्ट कर सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिड्यूशियरी रिलेशन में, लाइक फादर एंड सन, डेटर एंड क्रिएटर, डॉक्टर एंड पेशेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट। तो फादर एंड सन या मदर एंड सन, इनके बीच में भी एंडी इन्फ्लुएंस बड़ी इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बहुत इजी सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके घर में आपकी मदर, आपकी मम्मी आपको अगर कोई काम कहे तो आप बिल्कुल रूडली मना कर देते हो, भले ही आपको कोई हेडेक नहीं है फिर भी आप कहोगे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे को नहीं करना, मेरा ये है, मेरा ये है, वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज आप दे दोगे जो कि बिल्कुल फालतू के हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेम काम अगर आपको आपके फादर कहें तो भले ही आपको सर में हेडेक हो रहा हो, वास्तव में हो रहा हो सच में, लेकिन फिर भी वो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वहां पे आपके ऊपर क्या है, एक प्रेशर है जो दिखाई नहीं देता, तो उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, अंड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो एक फादर एंड सन, मदर एंड सन, इनके बीच में भी अंड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। तीसरा, किसी को कब हम ये कहेंगे कि वो उसकी डिजायर को डोमिनेट कर सकता है, वो तीसरा जो होगा वो आएगा मेंटल डिस्ट्रेस। क्या आएगा, मेंटल डिस्ट्रेस, कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, या मैं कहूं डॉक्टर और पेशेंट के केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ध्यान रखना, या तो कोई बहुत ज्यादा बीमार है या कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा है, उसके साथ अंडी इन्फ्लुएंस बड़ी इजीली हो सकता है। अगर हम अपने घर में बहुत एज्ड पर्सन अगर उसकी थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो उनका हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा और हम जो कहेंगे वो उसे इजीली मान लेंगे, तो उस केस में क्या हो सकता है, उनके साथ इजीली अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है। वैसे यहां पे अगर मैं बात करूं डॉक्टर और पेशेंट की, तो डॉक्टर और पेशेंट में भी अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है। डॉक्टर जो कहेगा उसे पेशेंट बहुत जल्दी विश्वास कर लेगा, इट मींस उनके बीच में भी क्या हो सकता है, अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी कैटेगरी में अगर अपन आगे चलें कि कब एक बंदा डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वो आएगा अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन। क्या आएगा, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन, जिसे हिंदी में एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, नृशंस व्यवहार। क्या है जी, नृशंस व्यवहार, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, ये अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन क्या है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो ह्यूमिनिटी को तार तार कर दे, आपकी आत्मा को, एक भारी सा वर्ड यूज करे, झंझोड़ के रख दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जो ह्यूमिनिटी को शर्मसार कर दे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसे हम किस में लेंगे, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में डेथ हो गई और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक है कि वो उसके फ्यूनेरियल ओकेजंस, उसके दाह संस्कार का भी बंदोबस्त नहीं कर सकते, और सपोज उस टाइम पे उनको 5,000 रुपए चाहिए और उनको कहीं से नहीं मिल रहे, वो बंदा मेरे पास पहुंचा और बोला भाई मेरे को 5,000 रुपए चाहिए, मेरे को पता है कि इसको वो 5,000 रुपए कहीं से नहीं मिल रहे और वो 5,000 रुपए लेने उसके लिए बहुत 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 जरूरी है, तो मैंने उसको कहा भाई तेरे को 5,000 रुपए तो दूंगा लेकिन इंटरेस्ट रेट लूंगा 50%। कितनी लूंगा, 50%। क्या वो बंदा पैसा लेगा, वो बंदा पैसा लेगा क्योंकि ओकेजन ऐसा है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो मेरे से पैसा ले गया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, हाँ तो अगले ने किए, क्या अब रिकवरी के टाइम मैं उससे 50% इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूं, क्या यहां पे अंडी इन्फ्लुएंस था, हाँ यहां पे अंडी इन्फ्लुएंस था क्योंकि मैं यहां सुपीरियर पार्टी था और सामने वाला कैसा था, इन्फीरियर पार्टी था, मुझे पता था कि मैं उसकी विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हूं और मैंने उसका क्या किया है, गलत फायदा उठाया है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसे की तंगी है, तो उस केस में अगर मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता हूं तो उसे अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड पोजीशन, टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तीसरा अगर मैं बात करूं इसी के अंदर पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द
ऑब्जेक्ट मस्ट बी, नेक्स्ट क्या आएगा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक अंड्यू इन्फ्लुएंस, कि सामने वाली पार्टी का उद्देश्य गलत फायदा उठाना होना चाहिए। न सिर्फ वो डोमिनेट करने की पोजीशन में था बल्कि उसने उस पोजीशन का गलत फायदा भी उठाया है। अगर उसने गलत फायदा ही नहीं उठाया तो आप अंडर इन्फ्लुएंस कैसे बोल सकते हो। तो थर्ड एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि उसने उस चीज का गलत फायदा उठाया हो। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की बर्डन ऑफ प्रूफ, कि किसे प्रूव करना पड़ेगा कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो बंदा ये कह रहा है ना कि जी मैंने अंडू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया अंडू इन्फ्लुएंस मैंने नहीं किया था, ये जो ट्रांजेक्शन था उसमें अंडू इन्फ्लुएंस नहीं था। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, कि बाय द वे अगर अंडू इन्फ्लुएंस हो गया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। तो जब भी अंडू इन्फ्लुएंस होगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, अनुबंध कैसा हो जाएगा, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। और पार्टी को, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको क्या राइट्स मिलेंगे। पहला राइट्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि उसे जो भी नुकसान हुआ है वो उस नुकसान की भरपाई ले सकता है। तो ध्यान रखना जैसे ही अंडू इन्फ्लुएंस होगा तो वहां पे क्या होगा, इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। तो ये था अपना क्या अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब दो पार्टीज होती है, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर, सुपीरियर पार्टी को पता है कि वो इन्फीरियर का क्या कर सकती है, गलत फायदा उठा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडू इन्फ्लुएंस कहेंगे। अंडू इन्फ्लुएंस के लिए फीचर्स क्या है, पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। सेकंड पोजीशन, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, कि आप सामने वाले की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में थे। और डोमिनेट करने की पोजीशन में कब कब माना जाएगा, पहला जब आपके बीच में कैसा रियल या अप्रियंट अथॉरिटी हो, दूसरा आपके बीच फिड्यूशियरी रिलेशंस हो, तीसरा अगर हम बात करें तो, या तीसरा अगर एलिमेंट बात करें अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में उसे क्या माना जाएगा कि वो क्या कर सकता है, आपकी विल को डोमिनेट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है कि उसने उस बात का गलत फायदा उठाया हो, और लास्ट उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये था अपना अंडू इन्फ्लुएंस। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत सारे वीडियोस अपने इस के ऊपर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, और मैं अपना एफर्ट करूंगा कि और भी बहुत सारे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। और इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पढ़ाई अपनी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए और अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।